इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्प्ले कैलिब्रेशन फॉर HDR वीडियो। तो बेसिकली ये फीचर हमें मिलता कहाँ पर है और हम इसकी सेटिंग्स को कैसे टर्न ऑन या फिर कैलिब्रेट कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, तो एक एक स्टेप्स देखिएगा तब आपकी समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको हम काट देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर ये सेटिंग्स मिलती कहाँ पर हैं और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट के ऑप्शन पर जाना है, ठीक है, यहाँ पर अपने विंडोज़ 11 के अंदर, और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में भी चलते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाई दे जाता है यहाँ पर डिस्प्ले वाला ऑप्शन ऊपर ही, तो इस पर जाना है एंड HDR मोर अबाउट HDR आपको दिखाई देता होगा। तो इसके बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर क्लियर भाषा में बता दूँ तो ये जो होता है कलर्स को और प्रोड्यूस करने के लिए फीचर होता है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसमें कलर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ कर सकता है, कलर की संख्या बढ़ा सकता है और उनको काफ़ी ज़्यादा कर सकता है, जिसकी वजह से आपको वीडियो देखने का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब इसको यहाँ पर हम खोल देते हैं, ठीक है, और खोलने के बाद आप यहाँ पर एक्सपीरियंस ले सकते हैं HDR का, जो यहाँ पर HDR गेम्स या वीडियोस या जो भी कुछ हो। अब जब यहाँ पर हम नीचे जाएंगे तो सबसे पहले हमें HDR वीडियो स्ट्रीमिंग को ऑन करना पड़ेगा, उसके साथ साथ ये फीचर भी प्रीव्यू हो जाता है। अब यहाँ पर कैलिब्रेट एंड इसके दो फीचर मिलते हैं। कैलिब्रेट पर आप इसके प्रीव्यू देख सकते हैं HDR वीडियोस का और डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, क्योंकि कैलिब्रेट में यहाँ पर ये जो है सेटअप करने का पूरा ऑप्शन होता है, तो यहाँ से आप इसको डिफ़ॉल्ट या आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मोर डिटेल्स बिल्डिंग्स एंड मोर डिटेल्स माउंटेंस, ये दो फीचर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, तो दोनों में से किसी को भी यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये यह है, तो इसको आप सेटअप कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ से इसको बाहर भी आ सकते हैं और डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग्स कर भी सकते हैं। अब देखिए, आप समझ तो गए होंगे कि HDR स्ट्रीमिंग क्या होता है एंड इसको हम प्रीव्यू भी कर सकते हैं इस फीचर के द्वारा। और बाकी अगर आपको कुछ और जानना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।